નમસ્તે મિત્રો ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલ ચેનલમાં તમારા દરેક દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ ધોરણ નવ વિષય છે હિન્દી અને પાઠ નંબર છે મિત્રો ત્રીજો જેનું નામ છે ક્યા નિરાશ હોવા જાય જે પાઠ આપવામાં આવે છે તો એ પાઠના આપણે આ વિડીયોમાં જે મિત્રો એમસીયુકી પ્રકારના પ્રશ્નો આપવામાં આવે છે તો એ પ્રશ્નોની આપણે વિડીયોમાં ચર્ચા કરવાના છીએ कि जे तुम्हारे वार्षिक परीक्षा के अंदर खूबज यूजफुल थसे उपयोगी થઈ પર છે તો વિડિયો પૂરે પૂરો જોજો શરૂઆત કરીએ વિડિયો ની પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે ક્યા નિરાશુ હોવા જાયે નિબંધ કે લેખક કોન હે તો ઉનકા સહી આન્સર હે હરીપ્રસાદ ત્રિવેદી કોન હે હરીપ્રસાદ ત્રિવેદી યાની કે જો બી ઓપ્શન હે વો સહી આન્સર હો જાયેગા આપ દેખીએ સવાલ નંબર તીસરા સોરી દૂસરા ક્યા હે ભારત વર્ષ कानून को सदा किस रूप में देखता है तो धर्म के माध्यम से यानी कि जो डी ऑप्शन है धर्म के वो सही आंसर हो जाएगा अब देखिए सवाल नंबर तीसरा देश के ऐसे माहौल में श्रमजीवी का क्या हाल हो रहा है तो हो रहा है श्रमजीवी पीस रहे हैं क्या है श्रमजीवी पीस रहे हैं यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा अब देखिए सवाल नंबर चार देखिए क्या है भारतवर्ष ने किस चीज को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है तो है भौतिक वस्तुओं के संग्रह को यानी कि जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा अब देखिए सवाल नंबर पांच इस माहौल में सच्चाई किसके हिस्से पड़ी है दोस्तों इसी माहौल में सच्चाई भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है यानी कि जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा अब देखिए सवाल नंबर छः कानून से बड़ी चीज़ क्या है तो दोस्तों कानून से बड़ी चीज़ धर्म है क्या है धर्म है यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा अब देखिए सवाल नंबर सात कौन सी चीज़ चरम और परम है तो मनुष्य के भीतर का आंतरिक तत्व वो चरम और परम है यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा सवाल नंबर आठ देखिए इस समय सुखी कौन है तो दोस्तों इसी समय जो कुछ नहीं करता जो कुछ नहीं करता वो सुखी है यानी कि जो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा अब देखिए सवाल नंबर नौ देश के ऐसे माहौल में कौन फल फूल रहा है तो दोस्तों देश के ऐसे माहौल में झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले जो लोग हैं वो लोग फल फूल रहा है यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा अब देखिए सवाल नंबर दस ऐसे माहौल में किसी मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है तो दोस्तों इससे ऐसे माहौल में ईमानदार को किसको ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा अब देखिए सवाल नंबर ग्यारह जो ये सवाल नंबर ग्यारह बस में कुछ नौजवानों ने क्या हिसाब बनाया तो बस से बस के ड्राइवर को मारने पीटने का यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा वो हिसाब बनाया अब देखिए सवाल नंबर बारह क्या याद रखने से जीवन कष्टकर हो जाएगा तो दोस्तों जिनमें धोखा दो खाया हो ऐसी बातों को यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा वो कष्ट कर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा देखिए सवाल नंबर तेरह कंडक्टर क्या लेकर आया था तो कंडक्टर बस अड्डे से नई बस बस अड्डे से नई बस लेकर आया था यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा अब देखिए सवाल नंबर चौदह लोगों ने बस के ड्राइवर के साथ क्या किया दोस्तों लोगों ने बस के ड्राइवर के साथ क्या किया तो उन्होंने ड्राइवर को उतारकर एक जगह घेर लिया यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा अब देखिए सवाल नंबर पंद्रह कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लाया था तो कंडक्टर लेखक लेखक के बच्चों के लिए दूध लाया था यानी कि ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा अब देखिए सवाल नंबर सोलह और इसी वीडियो का लास्ट सवाल देखिए क्या है रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय लेखक से क्या गलती हो गई तो दोस्तों रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय लेख लेखक से क्या गलती हो गई तो लेखक ने दस की जगह सौ की नोट दे दी दस की जगह सौ की नोट दे दी यानी कि जो बी ऑप्शन है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये थे हमारे इस पाठ का यानी कि पार्ट नंबर तीन का सारे एम के प्रकार के प्रश्नों जो आपको वार्षिक परीक्षा के लिए यूजफुल होने वाले हैं तो आपको अगर इस वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कर दीजिए आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में अब तक आपने इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकोगे दोस्तों इसी वीडियो को फर्स्ट शैन तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ